अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम। तेलंगाना की पुलिस रियासत में ड्रग्स के कारोबारियों पर कड़ी नज़रें रखी हुई है और पुलिस के तो आज वारे न्यारे हो गए क्योंकि इन्होंने आज कोकीन और हीरोइन को पकड़ा है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने आज एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात के बैन अलाक़वामी कारोबारियों की एक गैंग के 3 लोगों पर हाथ डालने में कामयाबी हासिल की है और उनके पास से 250 ग्राम कोकीन और 25 ग्राम हीरोइन मालियती 50 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं नाइजीरिया के 2 और घाना का 1 शहरी। मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। आज मीडिया को इसकी जानकारी सिटी पुलिस कमिश्नर श्री वी वी श्रीनिवास राव ने दी। इस मौके पर इन धावों के ताल्लुक से आवाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पुलिस ये सारी ड्रग्स जब्त करके करती क्या है, अगर इसकी भी जानकारी आवाम को मिल जाती है तो ये और बेहतर होगा। फोर्स के वेस्ट जोन टीम गड्डूमलो इंस्पेक्टर के लीडरशिप में सिटी में अब तक जो कैचेस हुए थे, सीजर्स हुए थे, इन सब में से बढ़िया कैच, बहुत अच्छा कैच सीजर किए थे ड्रग्स का। इसमें 250 ग्राम्स का कोकेन और 25 ग्राम्स का हीरोइन, ये सबसे अच्छा कैच, सबसे बढ़िया कैच है अब तक सिटी पुलिस हिस्ट्री में, जिसका वैल्यू लोकल मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। इनका सीज़र किए थे और साथ ही साथ 2 नाइजीरियन नेशनल्स, एक का नाम है जॉन चुकू, दूसरा बर्नार्ड विल्सन, और एक घाना नेशनल मेसन लुकास, इनको अरेस्ट किए थे। तीनों को अरेस्ट करके ये सीज़र कर सके। खास करके ये ड्रग्स जो है कोकेन और हेरोइन न्यू ईयर्स ईव के टाइम में हैदराबाद में पब्स में और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए, बेचा जाने के लिए इधर लाया गया। सही वक्त पे सही कदम उठा के हमारा टास्क फोर्स टीम ने ये अरेस्ट करके सीज़र कर सके। और इसमें मॉडस ऑपरेंडस ये रहा, मेसन लुकास घाना का जो बंदा है वो बॉम्बे में रहता है, वो एयर कार्गो में मंगाता है। मंगाते वक्त वो चॉकलेट पैकेट्स, ऐसे एक्लेयर्स पैकेट्स में इनके कवर्स में डाल के, ये पूरा चॉकलेट्स नहीं भरता, एक एक पैकेट में तकरीबन 6-7 एक्लेयर पैकेट्स में वो पूरा प्योर कोकेन डाल के फिर पैक करके उसको इस तरह के पैकेट्स को कार्गो में लाता। कार्गो में लाके फिर बॉम्बे में जब अनलोड होता उधर ना पकड़ा के बाहर लाके फिर हैदराबाद को रवाना करके इधर इन दोनों चुकू और विल्सन के सहायता से इधर बिजनेस करता है। लोकल पेडलर्स, लोकल यूज़र्स को ये सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमाता है। ऐसा रैकेट मैं सोचता हूँ इस तरह के पूरे हैदराबाद में न्यू ईयर्स ईव में तकरीबन 3-4 ऐसे रैकेट्स होंगे। बस हम ये पकड़ के 40% प्रॉब्लम जो है उनको टैकल कर सके शायद न्यू ईयर्स ईव का, इसलिए बहुत खुशी है। मैं इनका गट्टूमल्लू और इनका टीम का भी मैं बहुत अच्छा अवार्ड देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं इस तरह के अच्छा काम करने का मैं दूसरे टीम्स हमारे जो है नार्कोटिक्स टीम्स और टास्क फोर्स टीम्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी ये जो क्राइम है हमको मिला था इसमें लूप कंप्लीट है, मतलब ये तीनों जने सप्लाई चेन है, नीचे जो है पेडलर्स उनका अभी इन्वेस्टिगेशन करके बताना पड़ता है। एक्यूज्ड 1 और 2 पहले से एक्यूज रहे, एक्यूज्ड 1 एक केस में एक्यूज रहा, एक्यूज 2 केसेस में एक्यूज रहा, इनका रूल्स देख के इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ता। एक तरीका ये भी होता है जब इनका कन्विक्शन हो के इनका जेल टर्म ख़त्म हो जाता है इनको डिपोर्ट करना बेहतर रहता, डिपोर्ट करके भारत से बाहर चल इनको भेज देना बेहतर है, वैसा भी एक सोच है। Right, sir, thank you. Yeah, English.